गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 15 अगस्त 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग बहुत सारे टॉपिक यहां पे करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज सभी बच्चों को, आपके परिवार वालों को, आपके दोस्तों को, आपके आसपास जितने लोग रहते हैं, जितने भी इंडियंस हैं और जो इंडिया से बाहर रहते हैं, जो इंडिया से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, सभी को जो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम प्रेप आईएएस। ठीक है, तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई हो, शुभकामनाएं हों। और आज हम लोग ये प्लेज ले सकते हैं कि हम लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारे इंडिया की इंडिपेंडेंस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है नुकसान पहुंचाता हो। तो सभी को दोबारा से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हो सबको बधाई। तो स्कूल में तो आपको याद होगा, स्कूल में मनाया जाता था, हम लोग झंडा होस्ट करते थे, लड्डू मिलते थे। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता था उस समय मीनिंग क्या होता है इस सारी चीज़ का, लेकिन अब तो हम बड़े हो गए, हमें पता है किस तरह से हमें इंडिपेंडेंस मिली, क्या क्या चीज़ें इंडिपेंडेंस के बाद चेंज हुई, उस समय क्या क्या चीज़ें चल रही थी, है ना। तो अब सिर्फ लड्डू खाने तक लिमिटेड नहीं है, अब तो उसकी जो वैल्यू है और फ्रीडम, मतलब पहले हम लोगों ने इस टॉपिक के बारे किया था कि फ्रीडम आपको एक बार मिल जाती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए मिल गई है। फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना पड़ता है ना। एक बार आज़ादी मिल गई, किसी भी तरह की फ्रीडम हो, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि फ्रीडम एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ है और जिस चीज की वैल्यू होती है उसके ऊपर हमेशा थ्रेट रहते हैं, है कि नहीं। जिस भी चीज की वैल्यू होती है, चाहे आपका कोई, चाहे गोल्ड हो, चाहे कुछ भी हो, उसके ऊपर हमेशा थ्रेट रहता है, तो उसको बचा के रखते हैं ना हम लोग, ताकि उसकी वैल्यू इंटैक्ट रहे। तो फ्रीडम एक बहुत वैल्यूएबल चीज है, नॉट इन द मॉनेटरी टर्म बट इन ऑल एस्पेक्ट, इसलिए इसके ऊपर बहुत सारे थ्रेट भी रहते हैं, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। जिस तरह से हम लोग अपनी नॉर्मल चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं ना, ताकि वो किसी गलत हाथ में ना चले जाएं, इसीलिए अपनी फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रीडम इज इक्वल टू लाइक ह्यूमन बींग्स, है ना। फ्रीडम लाइक ह्यूमन बींग्स। अब आप देख लीजिए कि कोई जंगल में कोई शेर है और जो चिड़ियाघर में जो शेर होता है, दिखने में तो दोनों बराबर लग रहे हैं, लेकिन जो जंगल वाला शेर है वो फ्री है ना, उसका उसका अलग ही रुतबा है, उसकी अलग ही रिस्पेक्ट है। जू वाले जो है शेर को, तो भैया कोई बस ऐसे 4 रुपए लेके 10 रुपए लेके आप देखने जा सकते हो, दैट्स इट। फ्रीडम भी ऐसे, ह्यूमन बीइंग भी ऐसा ही है। तो जब तक आप फ्री हो तो आपकी वैल्यू है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन जब आप फ्री नहीं होते हो ना, हमारा जब दिमाग, हमारी फिजिकैलिटी, हमारा मेंटल स्टेटस जब फ्री नहीं होता है, तो हम गुलाम होते हैं, और गुलाम इंसान दिखने में तो बराबर एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन जो फ्री इंसान होते हैं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उनका जो अलग ही तरह का सिस्टम रहता है ना, तो फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया जाना दोस्तों जरूरी है, आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम भी और हमारी कलेक्टिव फ्रीडम भी, तो उसको प्रोटेक्ट करना है हम लोगों को, नहीं तो थ्रेट तो हमेशा चारों तरफ से रहते ही हैं, राइट। चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वैसे आज के न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल तो ऐसा है नहीं। अगर आप देखोगे आज के न्यूज़पेपर में आपको जो है मोस्टली ये एडिटोरियल्स ही देखने को मिलेंगे। देखिए पहले पेज पे भी एडिटोरियल, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, हर जगह आपको आज एडिटोरियल ही देखने को मिल रहे हैं। तो आज इसमें कुछ आर्टिकल वगैरह तो है नहीं, तो ऑब्जेक्टिव तरीके से तो ऐसा कुछ आज को मैं आज आपके इन्फॉर्मेशन मैं दे नहीं पाऊंगा कि जो हम लोग बोलें कि एग्जाम के परस्पेक्टिव से, प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के परस्पेक्टिव से भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको पहले से पता ना हो। अगर आप रेगुलरली बुक्स पढ़ने के शौकीन हो, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, तो हर चीज़ आपको पता है। हम लोग बस थोड़ा सा यू नो एक डिस्कस कर सकते हैं आपस में, ताकि वो चीज़ें थोड़ी सी रिफ्रेश हो जाएं और कहीं ना कहीं हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो इंटेलेक्ट है, हमारी जो विजडम है ना, उसको हम लोग इम्प्रूव कर सके। तो आज इस पूरे डिस्कशन में जितनी देर का भी होगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में बात करेंगे और उसके अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे हमारे एडिटोरियल के परस्पेक्टिव से, ठीक है। चलिए तो पहला जो पेज अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो पहला पेज है ये द हिंदू का ही पेज है जो 1947 में पब्लिश हुआ था, ये वाला पेज, फ्री इंडिया इज बोर्न। तो ये द हिंदू वालों ने अपना ही पुराना आर्टिकल दे दिया है, मतलब पेज दे दिया है। देखिए 15 अगस्त को पब्लिश हुआ था, कितनी बड़ी बात है ना। उस समय भी पेपर चल रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया भी था उस समय में, कई बहुत सारे न्यूज़पेपर थे जो आज़ादी के पहले से चले आ रहे हैं, अभी तक चले आ रहे हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसे न्यूज़पेपर हैं जिन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोटेक्ट किया है फ्रीडम को, है ना, हमारी वॉइस को, हमारे एक्सप्रेशंस को, और इसीलिए इनकी इतनी इज्जत भी है। अदरवाइज तो बहुत सारे पेपर ऐसे भी हैं भाई जो सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ही बात करते हैं, तो उनकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं है, है ना। तो पहला तो आर्टिकल ये है कि मुर्मू जी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने संबोधन किया है देश को, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे अलग से। बाकी जो है कुछ खास इसमें, ये इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे
जो यूयू ललित जी ने वीमेन के पार्टिसिपेशन के बारे में कहा है, बाकी कुछ आर्टिकल्स वगैरह हैं एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करेंगे। मनमोहन सिंह जी ने भी आज एक एडिटोरियल लिखा है द हिंदू में, उसको भी डिस्कशन करेंगे हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि क्या रहेगा। तो जो सबसे पहला हमारे यहाँ पे एडिटोरियल का ही पार्ट है वो है एन इवेंट टू फ्लैग, कि हमारा जो फ्लैग है वो कैसे शुरुआत हुई, कैसे हम लोगों ने इसको अडेप्ट किया, उसका मीनिंग, और वो थोड़ी थोड़ी जो है इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। देखिए पहली बात तो 22 जुलाई 1947 को नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर, क्योंकि उस समय हमारी पार्लियामेंट तो ऐसा सच बना नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ही काम कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन दिया था फ्लैग के बारे में। तो जिसमें इन्होंने पूरी फ्लैग के बारे में बताया था कि हमारा फ्लैग कैसा होगा, क्या होगा। तो इन्होंने बताया था कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो एक हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर होगा, ट्राई कलर मतलब तिरंगा, ट्राई मतलब तीन, कलर मतलब रंग, तो तिरंगा बनता है इसको मिलके, जिसके अंदर जो है डीप सैफ्रोन कलर यानी कि केसरिया होगा, फिर उसके बाद होगा व्हाइट कलर, और सबसे नीचे रहेगा यहाँ पे डार्क ग्रीन, ठीक है। ये डार्क ग्रीन है, नॉर्मल ग्रीन नहीं है, और ये सब इक्वल प्रपोर्शन में होंगे, मतलब बराबर बराबर अनुपात में होंगे, इन्होंने ये कहा। उन्होंने कहा कि जो व्हाइट बैंड है, जो भी बीच वाली व्हाइट पट्टी है, उसके सेंटर में क्या होगा, एक व्हील होगा, एक चक्र होगा, जो कि नेवी ब्लू कलर का होगा, ठीक है। पहले ही चरखा हुआ करता था, तो चरखे को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया चक्र से, है ना, अशोक चक्र, अबेकस ऑफ द सारनाथ लायन, कैपिटल ऑफ अशोका, इससे हम लोगों ने कर दिया। इसका जो डायमीटर है अशोक चक्र का, वो लगभग लगभग जो है जो व्हाइट पट्टी की जो विड्थ होती है उसके बराबर ही रहता है, ठीक है। और जो रेशो होगा हमारे ट्राई कलर का, विड्थ और लेंथ का रेशो, वो 2:3 होता है, ठीक है। लेंथ और विड्थ का 3:2 होता है, विड्थ का और लेंथ का 2:3 होता है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इससे पहले भी क्या इंडिया के पास फ्लैग था, बिल्कुल था, वो फ्लैग ये वाला था, देखिए ये वाला फ्लैग था, इसे स्वराज फ्लैग कहते हैं, इसके बारे में लोगों ने पहले भी बात किया ना। उससे पहले भी इंडिया में कई सारे फ्लैग रहे हैं, ऑफिशियल अनऑफिशियल। तो 1906 में देखिए इस तरह का, जब बंगाल पार्टीशन हुआ था, तो बंगाल पार्टीशन के टाइम में ये भी सजेस्ट किया गया था। फिर ये 1917 वाला था जो कि होम रूल लीग मूवमेंट थी ना, तो उन्होंने इसको सजेस्ट किया था। फिर 1921 में ये वाला आया चरखा, फिर ये थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें जो है चेंजेस कर दिए 31 में, फिर ये 1947 में जो है हम लोगों ने इसको थोड़ा सा, थोड़ा कलर के अंदर भी चेंज है और चरखे के अंदर भी चेंज है, थोड़ा देख सकते हो ना। तो स्वराज फ्लैग को हम लोगों ने रिप्लेस किया, चरखे को हम लोगों ने यहाँ पे रिप्लेस किया। तो सबसे पहली बार जो स्वराज फ्लैग को कहाँ फहराया गया था, कलकत्ता में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था 1911 में, तो दादा भाई नायरोजी जी ने उसको फहराया था सबसे पहले वहां पे, ठीक है। और वो थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो, स्वराज फ्लैग वॉज अडोप्टेड बाय द फॉर्मल रेजोल्यूशन एंड ऑल दैट, वो एक अलग चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज मुझे यहाँ पे लगी वो ये लगी कि हम लोगों ने चरखे को अशोक चक्र से रिप्लेस क्यों किया, क्या रीजन रहा होगा, है ना। तो कुछ कुछ अलग अलग रीजन हो सकते हैं, बट एक्चुअली में यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन क्या था, वो प्रैक्टिकल रीजन था, इससे हिस्से हम लोगों ने क्यों किया। अब आप देखिए इस चरखे वाले स्वराज फ्लैग को आप इस तरफ से देख रहे हो तो हमें ऐसा नजर आता है, लेकिन जो आदमी इसकी अपोजिट साइड में खड़ा होगा उसको उल्टा नजर आएगा, है कि नहीं। हमें राइट साइड में व्हील नजर आ रहा है और लेफ्ट साइड में स्पिंडल नजर आ रहा है, लेकिन जो आदमी उसकी दूसरी तरफ से देखेगा उसको इस तरफ व्हील नजर आएगा, इस तरफ स्पिंडल नजर आएगा। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो है, तो इसीलिए इसको रिप्लेस कर दिया चक्र के साथ। अब चक्कर में आप जिस मर उस तरफ से देखिए, इस तरफ से देखिए, आपको चक्कर ही नजर आएगा। तो ये प्रैक्टिकल एक्चुअली रीजन की वजह से इसको ज्यादा रिप्लेस किया गया था, रादर देन कोई फिलोसॉफिकल रीजन ऐसा सच नहीं था। फिर बाद में हाँ वो बात अलग है कि भी चक्कर को किस चीज से रिप्लेस किया जाए उसकी रेलिवेंस तो होनी चाहिए, अब ऐसा कुछ भी तो नहीं डाल सकते हैं, नेशनल फ्लैग की बात है, हमारा सिंबल है, हमारा प्राइड है। तो इसीलिए फिर जो है वो अशोक चक्र को यहाँ पे चूज किया गया, क्योंकि हमारे इंडियन पास्ट की, हमारा इंडियन कल्चर, हमारा जो एक पीस है उसको वो दर्शाता है, इसीलिए अशोक चक्र को दिया गया। बट चरखे को रिप्लेस करने का जो डिसीजन था वो प्रैक्टिकल डिसीजन यहाँ पे ज्यादा नजर आता है। उसके बाद हमारा हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, 51A जो नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करने की बात करता है, हमारे आइडियल्स को रिस्पेक्ट करने की बात करता है, है ना, वो सारी सारी चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो आर्टिकल था वो था इंडिया प्रूव्ड स्केप्टिक्स। स्केप्टिक का मतलब ये होता है जो आपके ऊपर डाउट करते हैं, ठीक है, आपकी सक्सेसफुल के ऊपर डाउट करते हैं। अब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, आपके बहुत सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, गांव में, शहर में, आपके मोहल्ले में पता होगा कि ये बच्चा जो है यूपीएससी की तैयारी करता है,
तो कुछ ही लोग ऐसे होते होंगे जो आपको एनकरेज करते होंगे कि हाँ तुम कर सकते हो, पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर, लेकिन बहुत सारे लोग स्केप्टिकल भी होंगे, है ना, आपकी पोटेंशियल के ऊपर डाउट कर रहे होंगे, अरे ये तो क्या ही करेगा, इससे से दसवीं भी मुश्किल से पास हुआ, बारहवीं अच्छे से नहीं हुआ, लोकल देसी से कॉलेज में पढ़ता है ना, ऐसे भी तो लोग होंगे। तो इंडिया जब दोस्तों आज़ाद हुआ था ना, तो बहुत सारे स्केप्टिकल्स थे, बहुत सारे। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े जो अपने आप को विद्वान मानते हैं, एक्सपर्ट मानते हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट और पता नहीं क्या क्या मानते हैं अपने आप को, सबने ये कहा था कि हम लोग गारंटी देते हैं कि इंडिया अगले 20 सालों में टूट जाएगा, इंडिया अगले 20 सालों में जो है इंडिया का बाल्कनाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी ही इतनी ज्यादा है। तो ये बात कोई मान ही नहीं सकता था कि इतना डाइवर्स कंट्री जिसमें इतने रिलीजन है, लैंग्वेज है, कल्चर्स हैं, वो एक साथ रह सकते हैं। ये तो आज तक हिस्ट्री में हुआ ही नहीं। अब पूरे यूरोप को देख लो, कितने छोटे छोटे कंट्री हैं यूरोप के अंदर, उनका सबका बेसिस क्या है, लैंग्वेज सेपरेट, कल्चर सेपरेट, सारी चीजें। तो वो जब एक साथ नहीं रह पाई, है ना, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोर्तुगीज, किसी चीज को भी देख लो, सब अपने सेपरेट कल्चर लैंग्वेज वगैरह की अलग। इंडिया में ऐसी क्या खास बात थी भाई? तो उन्होंने कहा कि जब दुनिया में कोई कंट्री एक साथ नहीं रह पाया इतनी डाइवर्सिटी वाला, तो इंडिया भी नहीं रह पाएगा। और जिस तरह से इंडिया का कॉलोनियल पास्ट रहा है, डिवाइड एंड रूल, इंडिया में इतने कम्युनल राइट्स वगैरह हुआ करते थे रेगुलर बेसिस पे, तो और लैंग्वेज को लेके, और वो नेशनलिटी इंडिया में थी ही नहीं, है ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इतने सारे स्केप्टिक्स थे। तो हम लोगों ने स्केप्टिक्स को यहाँ पे गलत प्रूफ तो किया ही किया, इंडिया ने सिर्फ सर्वाइव ही नहीं किया, इंडिया ने थ्राइव किया। गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए इंडिया का जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो सिस्टम है, वो एक मिसाल है, और ये आने वाले हजारों सालों तक जो है एज अ मॉडल के रूप में इंडिया की जो है इसको पढ़ाया जाएगा कि इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री वो किस तरह से इंटैक्ट रह पाई, इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी किस तरह से हम लोग यूनिटी को मेंटेन करते हैं। ये एक केस स्टडी का मुद्दा है, और एक्चुअली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में दुनिया भर में केस स्टडीज इसमें होती भी हैं कि कैसे हम लोग ने इस चीज को पॉसिबल किया। तो इसीलिए हमें एक प्रेज तो बनता है ना। तो इसीलिए जो है आप कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय, वंदे मातरम, जो भी आपको लगता है आप जरूर करिए, क्योंकि इंडिया की ये ताकत है। कुछ कमियां तो डेफिनेटली हर सिस्टम में होती हैं, परफेक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने जो कमाल किया है वो अपने आप में ही, मतलब वर्ड्स में बता नहीं सकता, मेरे पास वर्ड्स की कमी है। कोई मैं अगर पोएट होता, कोई राइटर होता, तो डेफिनेटली मैं आपको बहुत बड़े बड़े भारी भारी भरकम वर्ड यहाँ पे बता सकता था, बट स्टिल ये किसी मैजिक से कम नहीं है। और वो जो स्केप्टिक्स थे जो ये सब बोलते थे, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला इंडिया के बारे में, आज उनके कहीं नजर नहीं आते हैं। कमाल तो हम लोगों ने किया है, राइट? तो हमारी प्रेजिडेंट ने भी उसी के बारे में कहा है, ठीक है। तो हम लोग ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट एनिवर्सरी ऑफ दिस डे, वी बो to all those men and women who made enormous sacrifices to make this possible for us to live in a free India. तो हम उन सबको नमन करते हैं, उन सबको प्रणाम करते हैं, अपना सर झुकाते हैं, उन सारे men and women, जितने भी लोगों ने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट किया, अपना सेक्रीफाइस दिया, ताकि आज हम लोग फ्री कंट्री में रह सकें। आज तो हम इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, यार ठीक है, सब फ्री है भाई, कुछ भी बोलो, कुछ भी ये करो, लेकिन ये आपको ऐसे ही नहीं मिला है। इसके लिए बहुत सालों का स्ट्रगल, बहुत सारे लोगों का स्ट्रगल, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत कुछ लगा है। हम लोग तो 8-10 लोगों को जानते हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, लेकिन क्या आपका ऐसा नहीं लगता, जैसे मान लो अगर गांधी जी की रैली में अगर मान लो 1,00,000 लोग आए हैं, तो उसमें से ये सारे 1,00,000 के 1,00,000 लोग, 10,00,000, 5,00,000 जितने भी लोग आया करते थे, क्या उनका सेक्रीफाइस नहीं है इसमें? बिल्कुल है। वो लोग भी अपने खेत से आए होंगे, अपना काम धंधा छोड़ के आए होंगे, उनको पता था कि तुम्हें लाठियां भी पड़ सकती हैं, तुम्हें मारा भी जा सकता है, तो क्या उनका सेक्रीफाइस कम है? बिल्कुल भी नहीं है। कितने सारे लोगों का सेक्रीफाइस यहाँ पे लगा है, अननोन फेस कितने सारे रहे हैं, है ना, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है दोस्तों। तो थोड़ा रिस्पेक्ट करने की जरूरत है अपनी फ्रीडम को। और जो इस बार हर घर तिरंगा और वो सब चल रहा है, मैं देखता हूँ मेरी पूरी गली में जो है हर घर में तिरंगा लगा हुआ है, ऑटो में दो ऑटो वालों ने सबने तिरंगा, रिक्शा वालों ने तिरंगा, बाइक्स के ऊपर, स्कूटी, सब चीज़ों के ऊपर तिरंगा लगा रखा है। तो ये सिर्फ एक डेफिनेटली हमारा प्राइड है, ये हमारा सिंबल है, लेकिन इसको प्रोटेक्ट करना है, इसकी वैल्यूज़ को समझना है, है ना। इट इज़ समथिंग लाइक दैट आई फॉलो गांधी बट आई डू नॉट फॉलो द टीचिंग्स ऑफ गांधी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम झंडे को प्राइड कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो फ्रीडम को लेके जो हमें करना चाहिए वो भी,
है ना, हमें उस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। अब आपने बाइक के ऊपर लगा तो दिया झंडा, ठीक है आपने लगा लिया, लेकिन बाइक भाई आप स्पीड लिमिट से आगे बढ़ा रहे हो, आप रेड लाइट तोड़ रहे हो, उसका क्या मतलब है? तो झंडा लगाने से आप देशभक्त थोड़ी ना बन जाओगे। देशभक्त तब बनोगे जब चीजों की वैल्यू करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट करोगे, अपने सिटीजन्स को वैल्यू दोगे, रिस्पेक्ट दोगे, तब होगा ना, ऐसे नहीं होगा। चलिए, तो कहते हैं 14 अगस्त को जो है पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाया गया था पिछली बार, इस बार भी मनाया गया पिछली बार, तो ये कोई खुशी की बात नहीं है, है ना, इट्स अ रिमेम्बरेंस डे, याद करना है हम अपने पार्टीशन के हॉरर्स को, और उस दिन को याद करके हमें आगे के लिए शिक्षा भी लेनी है, लर्निंग करनी है कि किस तरह से अगर देश बंटता है, अगर लोग जो है आपस में मिलजुल के नहीं रहते हैं, तो किस तरह के जो है वो हॉरर से हमें गुजरना पड़ता है। तो ये हमारे लेसन भी है, क्योंकि हिस्ट्री में जो गलतियां होती हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए लेसन का काम करती हैं। अगर फ्यूचर जनरेशन उनसे लेसन नहीं लेती हैं तो हिस्ट्री अपने आप को फिर से रिपीट करती है, दोबारा से लेसन देने के लिए, अगर फिर भी नहीं सीखते हैं फिर से दोबारा, तो हिस्ट्री से सीखना जरूरी है। और ये जो पार्टीशन हुआ था, इस इंसिडेंट से हम लोगों ने यही सीखा, अगर हम लोग मिलजुल के नहीं रहेंगे तो बंटवारा होगा, कितने लाखों लोग मारे जाएंगे, और जो बीच में जो जो दुश्मनी वाली फीलिंग और वो हमेशा के लिए रहती है, है ना, तो वो भी वो किया गया। तो स्केप्टिक्स को हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे रोंग किया। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बेसिकली वो मुर्मू जी ने अपनी पूरी स्पीच के अंदर उसी के बारे में बात किया है। और जब सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई तो इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन नो डाउट, तो हमारे यहाँ पे जो संत हुआ करते थे, जो साधु हुआ करते थे, तो सब ने जो है ह्यूमैनिटी के बारे में बात किया, है ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं हम उनके लिए ये सब कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि उसमें इतना बड़ा कॉन्सेप्ट था ही नहीं, तो दे यूज्ड टू टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी, है ना, वननेस की बात करते थे, इक्वालिटी की बात करते थे। बाद में चीज़ें चेंज हो गई, वो तो हर जगह चेंज हो जाती हैं, राइट, तो वो एक अलग बात है। उसके अलावा भी इनका कहना है कि जो 75 ईयर्स हैं वो किसी कंट्री की अगर हम लोग एज के बारे में बात करें तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो पूरा लाइफ टाइम है ना, इंडिविजुअल्स के लिए 75 ईयर्स काफ़ी होता है। तो अभी तो हम लोग 75 मना रहे हैं भैया, 1947 में हम लोग अपना 100 साल भी मनाएंगे, तो उस समय हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स ने जो सपना देखा था वो डेफिनेटली हम लोग अचीव हमें करना भी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में कितना डेवलप हो गया है, है ना, जो कि बहुत काबिले तारीफ है, तो कहीं ना कहीं उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और मुर्मू जी ने अपनी स्पीच में, एक बहुत ही फेमस पोएट हैं, कन्नड़ा पोएट हैं, कुवेंपू जी इनका नाम है, और इनके इनकी एक लाइन इन्होंने बोली है, नादे मुंदे नादे मुंदे, इसका मतलब होता है लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ऐसा कई बार यूपीएससी में देखा गया है, जब किसी बड़े पोएट वगैरह को कोट किया जाता है तो वहां से यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। तो कुवेंपू जी आपको पता होना चाहिए, ही इज अ वेरी फेमस कन्नड़ा पोएट, ठीक है, कन्नड़ा पोएट है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इनके लिए कंटेंट डाल दिया है, आप उसको पढ़ सकते हो। रियल जो नेम है इनका वो है कुपल्ली वेंकटप्पा पुटप्पा, लेकिन ये इनका जो पेन नेम है, मतलब जो लिखा करते थे, वो उनका नाम था कुवेंपू। तो 1904 में इनका जन्म हुआ, 1994 में जो है इनकी मृत्यु हुई, तो 90 साल तक ये जिए, काफ़ी लंबे समय तक। और ज्ञानपीठ अवार्ड मिला इनको, ये पहले कन्नड़ा पोएट थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। मैसूर यूनिवर्सिटी में जो है वाइस चांसलर भी रहे 1956 से 1960 तक, और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने काम किया गवर्नमेंट की, जो कनाडा की, कर्नाटका की गवर्नमेंट है, इनको राष्ट्र जो है राष्ट्र कवि नेशनल पोएट का इनको अवार्ड दिया गया 1964 में, और कर्नाटका रत्ना भी इनको दिया गया, जैसे भारत रत्न होता है ऐसे कर्नाटका रत्न 1992 में दिया गया, फिर 1988 में इनको पद्म विभूषण दिया गया, ठीक है। तो और कर्नाटका का जो स्टेट एंथम है वो भी जो है जया भारते जो है वो भी इन्होंने ही लिखा था, तो बहुत सारे अवार्ड वगैरह भी इनको मिले हैं, आप उनको भी यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इनके बारे में सवाल कुछ ना कुछ घुमा फिरा के वो थोड़ा बहुत पूछ सकता है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों, द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो थोड़ा सा इंडिया की तारीफ कर लेते हैं आज, कि इंडिया ने क्या क्या अचीव किया है, बहुत कुछ अचीव किया हम लोगों ने, नो डाउट, है ना भैया, दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम लोग परचेसिंग पावर पैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। अगर परचेसिंग पावर की बात भी ना करें, नॉर्मल एक्सचेंज रेट की बात करें, तो फिर भी हम लोग सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। सोच के देखिए, 1947 में इंडिया कहीं स्टैंड नहीं करता था, कहीं पे भी दूर दूर तक, है ना, अंग्रेज हमें इतना नोच के खा के लूट के चले गए थे, लेकिन आज आज ब्रिटेन से बड़ी इकोनॉमी है हमारी, परचेसिंग पावर में तो हम लोग तीसरे नंबर पे हैं। अचीवमेंट कितना बड़ा है यार, सिर्फ 75 ईयर्स में हम लोगों ने इतना कुछ अचीव कर लिया, सोच के देखिए, और आगे वाले 20 25 30 50 सालों में तो हम लोग क्या नहीं कर सकते, मतलब अनइमेजिनेबल है।
पिछले 40 सालों में इंडिया की जो ऑन एन एवरेज जो ग्रोथ रेट रही है वो 7% के लगभग रही है। हालांकि मुझे पता नहीं इन्होंने कहां से ये डेटा लिया है, बट स्टिल ऐसे इन्होंने बोला है। 1980 में 189 बिलियन की हमारी इकोनॉमी थी, जो कि आज लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुकी है। बहुत कुछ हम लोगों ने अचीव किया है। कोविड 19 के टाइम सिर्फ एकमात्र ऐसा टाइम था इंडिया में 1980s के बाद जब हमारी इकोनॉमी एक्चुअली नेगेटिव में चली गई थी। अदरवाइज पिछले 40 सालों में हमारी इकोनॉमी कभी भी नेगेटिव में नहीं गई है। इवन कई बार तो ऐसा हुआ कि हमारी इकोनॉमी 9-10% तक भी हम लोगों ने ग्रो किया है ना, 10% तक भी। तो जब इंडिया आजाद हुआ, जब हम लोग बिल्कुल जन्म हम लोगों ने लिया था, तो हाईली इम्पोवरिस्ड था इंडिया, गरीबी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इतने सालों का कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन था भाई, है ना। गरीबी, भूखमरी, हंगर, वो अरे बुरा हाल था यार, कुछ मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, है ना। लोग हमारी देखिए ना आप, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 ईयर्स थी, आज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 पहुंच चुकी है। मतलब कितनी बड़ी बात है, 40 मतलब डबल से भी ज्यादा हम लोगों ने अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कर ली है सिर्फ 75 ईयर्स में। इतना जबरदस्त ग्रोथ किया है। एक समय ऐसा हुआ करता था जब हम लोग, हमारे पास खाने के लिए अनाज तक नहीं था, हम लोग दुनिया से मांगते थे, लेकिन आज हम लोग सेल्फ सफिशियंट हैं। सिर्फ सेल्फ सफिशियंट ही नहीं, हम लोग फूड एक्सपोर्ट भी करते हैं भाई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जहां हम लोग पैसा मांगते थे उनसे कि पैसा दे दो, नहीं है हमारे पास, आज हम लोग उनको पैसा देते हैं। इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है। इंडिया एशियन कंट्री में एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसके अंदर, जिसका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, मतलब बड़ी इकोनॉमीज के अंदर, उसके बावजूद भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको इंडिया की इकोनॉमी के अंदर कॉन्फिडेंस है। अदरवाइज इतना ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है तो कोई इन्वेस्ट नहीं करता, फिर भी इंडिया में करते हैं, क्योंकि उनको पता है इंडिया में पोटेंशियल है, पोटेंशियल है भैया। एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिया में जहां 50% से ज्यादा हुआ करती थी शुरुआत के दौर में, आज वो सिंगल डिजिट में चली गई है, सिंगल डिजिट में चली गई है। तो कमाल का काम हम लोगों ने किया है, कमाल का काम किया है। और चाइना से अगर आप कंपेयर करो पाकिस्तान से, तो वो अलग ही बात है ना। तो वही इन्होंने यहाँ पे कहा है, और कहा है कि जब इंडिया आजाद हुआ था शुरुआत शुरुआत में, तो हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी थी वो थोड़ी क्लोज थी, इनवर्ड लुकिंग हमारी अप्रोच थी, आउटवर्ड लुकिंग नहीं थी जैसे आजकल होती है। तो हम लोग एफडीआई वगैरह को वेलकम नहीं करते थे, फॉरेन कंपनीज को वेलकम नहीं करते थे, क्योंकि ये उस समय की रियलिटी थी। अभी अभी तो अंग्रेज गए थे इंडिया से, अगर हम लोग अपनी इकोनॉमी को ओपन कर देते तो सारी विदेशी कंपनी इंडिया में आ जाती, फिर से हमें लूटना शुरू कर देती, है ना। तो फिर से वो इकोनॉमी का इंपीरियलिज्म हो जाता, अमेरिकन कंपनी आ जाती पूरी की पूरी इंडिया में। तो इसलिए इंडिया ने सोचा कि हम लोग इनवर्ड अप्रोच रखेंगे, पहले हम लोग अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को ग्रो करेंगे, अपनी कंपनीज को ग्रो करेंगे, बाद में देखा जाएगा। और जो यही हमारा सोवियत मॉडल भी था, क्योंकि सोवियत यूनियन ने भी ऐसा ही किया था, ठीक है। आज आप कुछ और बोल सकते हो, लेकिन उस समय की रियलिटी यही थी। हाँ, एक गलती हम लोगों से हुई कि 1980s में जो हम लोगों को थोड़ा सा इकोनॉमी को ओपन कर देना चाहिए था, हम लोगों ने थोड़ा लेट किया। तो उस समय कई सारी जो है एशियन कंट्रीज जैसे साउथ कोरिया वगैरह, सिंगापुर और ये सब जो है, इन्होंने अपनी जो है लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस किया। उस समय हम लोगों ने इसके ऊपर फोकस नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन सभी का स्ट्रगल अलग अलग होता है ना। तो आप ये नहीं कह सकते उसने ये गलती किया वो गलती किया। अब कोई बच्चा ऐसा होता है जो 21 साल की उम्र में कॉलेज से जैसे ही पास आउट होता है वो यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 25 साल की जॉब वॉब करते हैं। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 30 साल की उम्र में यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं। तब ये नहीं कह सकते कि इन 25-30 वालों ने गलतियां कर दी है, 21 वाला तो अरे काश मैं भी, अरे वो अलग बात है। जिसने 25 में शुरुआत किया उसका भी रिजल्ट आता है, जिसने 30 में किया उसका रिजल्ट भी आता है, जिसने 21 में किया उसका, सबका अपना, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबकी अपने अपने तरीके हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने उस समय ओपन अप नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर दी, 1990s में ओपन अप किया तो वो सारी चीज़ें, नहीं, सबका अलग अलग जर्नी है। जब हम लोगों को लगा तो हम लोगों ने शुरुआत किया, तभी तो आज हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन गए हैं, है ना। तो सॉफ्टवेयर हो चाहे आउटसोर्सिंग हो, तो आज हम लोग पावर हाउस डेफिनेटली हैं, है ना। एग्रीकल्चर जो है इज मच लेस डिपेंडेंट ऑन द वैगरीज ऑफ द वेदर, है ना। पहले सारी हमारी एग्रीकल्चर मानसून के ऊपर ही डिपेंड करती थी, लेकिन अभी तो इतना ज़्यादा नहीं है, है ना। एग्रीकल्चर भी हमारा बढ़िया काम कर रही है, इतने सारे सैटेलाइट हम लोगों ने डाल रखे हैं उस वेदर फोरकास्टिंग वगैरह उन सब के लिए, तो बहुत बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। सोलर एनर्जी वाले मामले में तो भैया हम लोग वर्ल्ड लीडर बन ही रहे हैं, है ना।
अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने बहुत कर ली, लेकिन अभी भी, हालांकि जर्नी हम लोगों ने बहुत बढ़िया रही है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, है ना, पिछले एक साल में सात सालों में सरकार जो है 7 लाख गवर्नमेंट पोस्ट के लिए अब 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट वाली दिक्कत हमारे यहाँ पे भी है डेफिनेटली। और उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल जॉब्स हैं, ऐसा माना जाता है कि आने वाले कुछ सालों में 70% इंडस्ट्रियल जॉब जो है वो खत्म हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन एंड द रोबोटिक्स, मशीनों का ज़्यादा यूज होगा आने वाले समय में। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में अभी भी हम लोग काफ़ी पीछे हैं। इनकम इनक्वालिटी ऑफ वेल्थ, इनकम एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ वाली समस्याएं अभी भी हैं इंडिया में डेफिनेटली। जुडिशरी पे भैया बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो समस्याएं तो हैं, लेकिन उनको ही दूर करने के लिए हमें काम भी करना है। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं थी दूर कर ली हैं, कुछ समस्याएं बची हुई आने वाले समय में दूर करेंगे, आने वाले समय में थोड़ी और नई समस्याएं आएंगी उनको दूर करेंगे, तो यही तो चलता है ना। अगर जिंदगी में समस्या ही नहीं होंगी तो वो जीवन ही क्या, उसका कोई मतलब नहीं है फिर, है ना। फिर वो जानवर वाली जिंदगी है, जानवरों की जिंदगी में भी समस्याएं होती हैं, तो समस्याएं तो हैं। सॉल्यूशन हम लोगों को ही करना है, हमारी जनरेशन को थोड़ा बेटर बनाना है, आने वाली जनरेशन उसको थोड़ा और बेटर करेंगी तभी तो चीज़ें परफेक्ट होती हैं। कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट उसके लोग बनाते हैं, हम लोग परफेक्ट बनाते हैं, है ना। चलिए, तो यू ललित जी जो का अभी एक इंटरव्यू था जिसमें इन्होंने कुछ कुछ बातें बोली हैं, तो इन्होंने कहा है कि पिछले 75 सालों में इंडिया में वीमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा है जुडिशरी के अंदर, नो डाउट। एक समय ऐसा हुआ करता था जब वीमेन इस प्रोफेशन के अंदर बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन आज चीज़ें जो हैं थोड़ी चेंज हो रही हैं। अगले जब हम लोग अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, तो चीज़ें हो सकता है बिल्कुल डिफरेंट हो जाएं। हो सकता है कोर्ट के अंदर ज़्यादा वीमेन हो, कम मेन, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्रिटिसिज्म के बारे में उन्होंने कहा कि देखिए, दो तरह का क्रिटिसिज्म होता है, एक तो होता है जजमेंट का क्रिटिसिज्म, एक होता है जज का क्रिटिसिज्म, है ना। जजमेंट का क्रिटिसिज्म कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उसको कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप क्रिटिसिज्म नहीं करोगे तो भैया सॉल्यूशन कैसे आएगा, नहीं आएगा ना, उसकी आपको कमियां ही नहीं पता चलेंगी तो सॉल्यूशन आएगा नहीं। तो इन्होंने कहा जजमेंट का क्रिटिसिज्म कीजिए, यह हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को इम्प्रूव करता है, लेकिन जज के क्रिटिसिज्म करने से आपको क्या मिल रहा है, उससे कुछ नहीं मिल रहा है, उससे बल्कि कमजोर हो रहा है, तो वो थोड़ा आपसे आपको उससे बचना चाहिए, इन्होंने ये बात ही बोली। डेथ सेंटेंस के बारे में इन्होंने बोला कि देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता डेथ सेंटेंस सही है या गलत है, जब तक हमारी लॉ बुक के अंदर है तब तक तो सही है, जिस दिन लॉ बुक से हट जाएगी उस दिन हम लोग नहीं देंगे, है ना। तो इन्होंने कहा वर्चुअल कोर्ट्स के बारे में, इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि आने वाले समय में वर्चुअल कोर्ट से इंडिया के जो जुडिशरी सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, बहुत इंप्रूव हो जाएगा। आज एक मद्रास हाई कोर्ट में बैठा हुआ बंदा भी जो है वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बहस कर सकता, अपने केस को लड़ सकता है, विच इज नॉट इवन इमेजिनेबल फ्यू ईयर्स बैक। तो थैंक्स टू COVID-19 और थैंक्स टू दिस डिजिटल रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से सब पॉसिबल हो पाया, और इसकी वजह से बहुत सारे केस जल्दी जल्दी सोल्व भी हो सकते हैं, तो चीज़ें इस तरह से काम करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों, आता है चेंजिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कास्ट। तो कास्ट को लेके थोड़ा सा ये आर्टिकल है, हालांकि कुछ हार्श क्रिटिसिज्म भी है यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ, लेकिन उसमें मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं, कोशिश किया मैंने उसको अवॉइड करने की, बट स्टिल थोड़ा देख लेते हैं। कास्ट जब हम लोग बात करते हैं तो तीन चीज़ों में कास्ट काम करती है। पहला काम होता है रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल अपॉर्चुनिटी, है ना। हायर कास्ट के पास ज़्यादा जो है सुविधाएं हैं, चाहे वो इनकम के हिसाब से हो, पैसा हो, ज़मीन हो, नौकरियां हो, लोअर कास्ट के पास उतनी नहीं है, नो डाउट। इट रिमेन्स वन ऑफ द प्राइमरी मोड ऑफ द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, है ना। कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज कितनी ज़्यादा हैं तो कास्ट के नाम पे वोट मांगी जाती है, ये भी आज के समय की सच्चाई है। अपर कास्ट इलीट क्लास, जो अपर कास्ट सो कॉल्ड जो अपर कास्ट होती हैं, वो आज भी जो है मोस्टली चीज़ों को डोमिनेट करती हैं। तो तीन तो उन्होंने कहा कि आज के समय में, शुरुआत के बारे में थोड़ा बात करेंगे कैसे कास्ट का आइडिया इंडिया में आया, वो चेंज हो रहा है ना, वो थोड़ी थोड़ी बहुत इन्होंने यहाँ पे बात कही है हल्की फुल्की। तो शुरुआत जो है वो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया से ही हो गई थी, रिजर्वेशन की शुरुआत 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ, फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हुआ, उसमें इसके इस चीज़ को इंक्लूड किया गया। लेकिन उस समय जो बेसिक जो फोकस था इसका, वो क्या था कि डिस्क्रिमिनेशन को कम करना है। अम्बेडकर जी थे या और भी जो कास्ट लीडर हुआ करते थे, तो उनका बेसिक एम क्या था कि डिस्क्रिमिनेशन को कम करना है, रादर देन रेमेडी फॉर द बैकवर्डनेस, है ना। बैकवर्डनेस मतलब इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस,
भैया आप डिस्क्रिमिनेशन कम करिए, वो उनका मेन फोकस था। लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने हमारा आइडिया चेंज हो गया। आज हम लोग सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन ही दूर नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम लोग बैकवर्डनेस को भी दूर करना चाहते हैं। तो आइडिया चेंज हो गया जब हम लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिश द टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी और द कास्ट सिस्टम इन प्रिंसिपल, बट ग्राउंड पे रियलिटी भी तो आज भी कास्ट सिस्टम हो ही रहा है ना, बहुत भयंकर तरीके से हो रहा है। कहाँ का केस है ये? राजस्थान का केस है शायद, कल परसों का ही केस है, मतलब स्टेट मुझे सॉरी नाम याद नहीं है, बट उसमें एक दलित स्टूडेंट ने एक घड़े से पानी पी लिया था, जो घड़ा टीचर्स के लिए रखा गया था, उस बच्चे को जो है पीट पीट के मार दिया गया टीचर के द्वारा, जान से मार दिया गया, क्योंकि वह एक दलित बच्चा था और उस घड़े से पानी पी रहा था, सोच रहे हो। हालांकि इस तरह के केस अभी बहुत रेयर होते हैं, कभी कभी होते हैं, बट होते तो है ना। समाज का कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी, कुछ परसेंटेज जो इतनी ज्यादा कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी वो सब प्रैक्टिस करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता ऑफकोर्स, इसको हम लोग परमिशन नहीं देते किसी भी तरह से, बट फिर भी प्रैक्टिस तो हो रहा है ग्राउंड रियलिटी पे, है ना। तो रिजर्वेशन वॉज सीन एज अ बेनिफिट, रिजर्वेशन का एज अ बेनिफिट देखा जाता है, जो कि कुछ कुछ कास्ट को दिया जाता है, ठीक है। अनसरप्राइजिंगली उसके बावजूद भी आज भी जो, अगर आप जॉब स्ट्रक्चर की बात करो इंडिया में, पावर स्ट्रक्चर की बात करो, अभी भी जो है अपर कास्ट लोग ही वहां पे डोमिनेट करते हैं, चाहे रिजर्वेशन भी दिया गया हो उसके बावजूद भी, ठीक है। तो रिजर्वेशन मेरिट सिस्टम की जो डायकोटमी है, समझ रहे हो, मतलब 50% को हम लोग रिजर्वेशन देंगे और 50% को जो है मेरिट बेस पे जो है सिलेक्शन देंगे, वो हम लोगों ने शुरू किया था, लेकिन अभी तो वो भी कमजोर हो गया है, क्योंकि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी आप लोगों ने रिजर्वेशन दे दिया है। तो जो मेरिट और रिजर्वेशन वाला जो डाइकोटमी थी, जो डिस्टिंक्शन था, वो भी खत्म हो गया अभी तो, क्योंकि अपर कास्ट को भी अभी आप रिजर्वेशन दे रहे हो, पहले तो सिर्फ लोअर कास्ट को ही दिया जाता था, है ना। अपर कास्ट के पास तो ऑलरेडी बहुत सुविधाएं होती हैं, राइट। तो इन्होंने कहा कि वो भी थोड़ी चीजें यहाँ पे चेंज हो गई। फिर जो है 1990s का दौर आया, जिसमें कास्ट पॉलिटिक्स जो है काफी ज्यादा डोमिनेट करने लगी, है ना, और फिर वो पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही इंडिया का जो है वो चेंज हो गया उसके बाद से। फिर एक अभी नया दौर आ रहा है अभी पिछले कुछ सालों में, जिसमें जो है हिंदुत्व पॉलिटिक्स ने कास्ट पॉलिटिक्स को ही पूरा, है ना, एक्लिप्स कर लिया है, उसको सेकेंडरी कर दिया गया है, राइट। अभी सब लोग मतलब सब ये बात करते हैं, हम तो हिंदू हैं, हिंदू तो कास्ट को जो है वो सेकेंडरी रख दिया गया है, तो पूरा हर चीज जो है, क्योंकि उसको जो है एज अ पैशनेट अग्रेसिव मोड ऑफ पैन इंडिया फॉर्म उसको मोबिलाइज किया जाता है जनता को, राइट। तो भाई अपनी कास्ट वास्ट को भूल जाओ, सब हिंदू हैं, है ना। तो उस तरह का एक आइडेंटिटी जो है वो चलाई जा रही है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, उससे लोअर कास्ट का स्टेटस चेंज थोड़ी हो रहा है, उनका सोशो इकोनॉमिक जो और वो जो जो मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन था वो दूर थोड़ी ना हो रहा है। तो इनका कहना है कि वो सिर्फ वोट बैंक के लिए हो रहा है कि हम लोग सब हिंदू हैं, कास्ट वास्ट भूल जाओ, क्योंकि हिंदुत्व एज अ कॉन्सेप्ट कहते हैं कि हाई कास्ट कॉन्सेप्ट है, है ना। जो भी हिंदुत्व पॉलिटिकल पार्टीज हैं या हिंदुत्व जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके सब लीडर जो है वो हाई कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये हाई कास्ट की एक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि हम लोग लोअर कास्ट के जो एक्चुअली कंसर्न्स हैं वो भूल जाएं और एक बड़े हिंदू फोल्ड के अंदर आ जाएं, और फिर वो वोट बैंक एंड ऑल दैट। तो ये इसके आर्गुमेंट दिया गया है इस आर्टिकल के अंदर। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली अपना ओपिनियन बता सकते हैं, ओपिनियन आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर उन्होंने सिर्फ मतलब एंड में सिर्फ यही बात कही है कि पिछले 75 सालों में हम लोगों ने काफी कुछ पाया है, चीजें चेंज हुई हैं, चाहे वो इकोनॉमी वाले फ्रंट पे हो, चाहे वो कास्ट वाले फ्रंट पे हो, और आगे हमें और काफी काम करना यहाँ पे अभी बाकी है। तो ये कुछ कुछ चीजें इन्होंने कही है। तो ये आर्टिकल तो हम लोग डिस्कस करेंगे, खैर मनमोहन सिंह जी ने जो लिखा है, बाकी एक आधा आर्टिकल आप खुद से भी पढ़ सकते हो। मनमोहन सिंह जी का आर्टिकल देख लेते हैं जो इन्होंने एडिटोरियल लिखा है। तो डायरेक्टली इन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को अटैक नहीं किया, लेकिन सटल वे में, अब भैया पॉलिटिशियन है ना, है तो पॉलिटिशियन ही, तो कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली वो चीज़ आ ही जाती है। तो सटल वे में थोड़ा इन्होंने कुछ ना कुछ कटाक्ष, जिसको बोलते हैं सार्केज्म, वो कसा है, और एक वे भी दिखाया है कि फ्यूचर में इंडिया को किस तरह से मूव करना चाहिए, तो वो भी इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। तो कई चीज़ें इन्होंने बोली कि भैया 75 ईयर्स हमारे इंडिपेंडेंस को हो गए हैं, हमें आज़ादी मिली, हम बहुत प्राउड फील करते हैं, नो डाउट, है ना, और वी मस्ट रिजोल्व टू नेवर लेट आवर फ्रीडम्स टू बी रोब्ड बाय अथॉरिटेरियन एरोगेंस और अलाउ
fomented hatred undermine the unity of the Indian people. That is the best tribute. हम लोग जब झंडा फैला रहे हैं हर घर तिरंगा and all that, तो उस तिरंगे को हम लोग क्या ट्रिब्यूट दे सकते हैं? उसको हम लोग यही ट्रिब्यूट दे सकते हैं कि अपनी फ्रीडम को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे और किसी भी ऐसी अथॉरिटी को, ऐसे इंसान को या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग हेट्रेड नहीं फैलाने देंगे जिससे हमारी यूनिटी को खतरा होता है, अपनी यूनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा जो है इन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने कहा है। ठीक है, इन्होंने फिर थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री के बारे में बात किया कि हम लोग कॉलोनियल रूल से हम लोग निकल के बाहर आए थे। उस समय इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, उनका हम लोगों ने जो है उनको यूनाइट किया है ना। और इन्होंने कहा कि जो हमें हमें जो एकता मिली है, हमें जो आज़ादी मिली है, वो या ओवरनाइट नहीं मिली है, कितना सारा फ्रीडम स्ट्रगल हम लोगों ने इसके लिए जो है वो किया गया है ना। तो हमारे यहाँ पे इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन्स हैं, कास्ट, जेंडर, सोशल स्टेटस, सबको हम लोगों ने जो है मिला के यहाँ पे यूनिटी उसको हम लोगों ने किया है ना। सच तो फिर इन्होंने कहा है कि भाई आजकल क्या है, वो कम्युनल लाइन पे लोगों को डिवाइड किया जा रहा है ना, कास्ट लाइन पे लोगों को डिवाइड किया जा रहा है, जेंडर जो है उस पर डिवाइड किया जा रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। हो सकता है ये सब करने से आपको, जैसे ब्रिटिश लोगों ने किया था ना डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल करते थे वो लोग, तो हो सकता है आप जो डिवाइड एंड रूल कर रहे हो सोसाइटी में आज, कुछ समय के लिए आपको वोट मिल सकती हैं, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में हमारे नेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, है ना। तो ब्रिटिशर जो लोगों ने जो किया, हम भी वही उसको वही कर रहे हैं। ठीक है, तो एक और फिर हम लोगों ने 1991 का इन्होंने एग्जांपल दिया कि हम लोगों ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया, उसके बाद जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो हुई, पॉवर्टी इरेडिकेशन हुआ, इकोनॉमिक इनक्वालिटी थी जो है वो हमारा टारगेट था, हालांकि उसको हम लोग अचीव नहीं कर पाए उतना अच्छी तरह से जो किया जाना चाहिए था, बट स्टिल वो इन्होंने यहाँ पे बोला है। ठीक है, फिर इन्होंने भी वही फ्लैग डिविजन्स पॉलिटिक्स है ना, जॉबलेस ग्रोथ की इन्होंने बात कही, इट इज़ नॉट सेफ, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है ना, वो भी चीज़ इन्होंने बात यहाँ पे कही। फिर इन्होंने कहा इन सारी चीज़ों को जो है दूर करने के लिए जो डिवाइजिव पॉलिटिक्स की जा रही है समाज में, जो लोगों के बीच में सोशल डिस्कॉर्ड फैलाया जा रहा है ना, उसको दूर करने की यार अभी बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। ठीक है, तो वो इन्होंने कहा, और हमारी जो यंग पॉपुलेशन है उसको स्किल दिया जाए, उसको एजुकेशन दिया जाए, ताकि डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम लोग फ़ायदा उठा सके, तो फ्यूचर के लिए भी ये बता रहे हैं इस तरह की चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा फिर इन्होंने एक और बात यहाँ पे कही है कि जो ये कम्युनल और जो लिंग्विस्टिक बैरियर्स लगाए जा रहे हैं आज के समय समाज में, जिसकी वजह से मोबिलाइजेशन लोगों का नहीं हो पा रहा है। जैसे आप मान लीजिए, जैसे अगर झारखंड से कोई आदमी मुंबई के अंदर काम करना जाता है तो उसके ऊपर अटैक कर दिए जाते हैं, है ना, उनको बिहारी बोला जाता है, वो सारी चीज़ें, तो ये सही नहीं है, ये सोसाइटी के लिए भी सही नहीं है और ये इंडस्ट्री के लिए भी सही नहीं है, इकोनॉमी के लिए भी सही नहीं है। अगर आप लोग एक दूसरी जगह पे काम जाके नहीं करेंगे तो भैया इंडस्ट्री के अंदर काम कौन करेगा यार, तो हमारी इकोनॉमी के लिए भी खतरा है। तो इनका यह कहना है कि जो भी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनको सामने आना चाहिए इस तरह की एक्टिविटी के अगेंस्ट में, क्योंकि उनके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाएगा, है ना। तो वो भी इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ी बात बोली है। फिर इन्होंने जो है कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि हम लोगों ने अपनी आज़ादी के बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन जैसे IITs, IIMs और वो सब, AIIMS, वो सब हम लोगों ने ओपन किया, जिसका आज पूरी दुनिया में नाम है, तो इनको भी प्रोटेक्ट किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार कई बार मतलब सटल वे में इन्होंने सरकार के ऊपर सरकैज़म किया है कि सरकार क्या करती है, इन जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे अपने सिलेक्ट किए हुए लोगों को बिठा देती है जो कि सरकार की आइडियोलॉजी को काम करते हैं, जिसकी वजह से इन ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑटोनॉमी है, जो इंडिपेंडेंस है, वो खतरे में आ जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से इनकी जो इंटरनेशनल जो रिस्पेक्ट है वो कम हो जाती है ना। फिर इन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में थोड़ा कहा कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने अभी तक इंडिया को गाइड किया है, लेकिन पिछले कुछ समय से ये थोड़ी हम लोग उसको भी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कुछ कुछ इन्होंने कहा। हमारे पड़ोसी के बारे में इन्होंने बात कही कि इंडिया की जो साउथ एशिया के जो नेबर्स हैं वो हम लोगों को उनके इंटरेस्ट को भी यहाँ पे देखा जाना चाहिए, पीस मेंटेन की जानी चाहिए साउथ एशिया के अंदर, तभी हमारे घर के अंदर भी पीस रह पाएगी, है ना। तो वो इन्होंने कहा। उसके अलावा जो यंग बच्चे हैं तो उनके बारे में इन्होंने बात किया है ना, उनकी स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडर न्यूट्रिशमेंट, अनीमिया, जो खून की कमी वगैरह होती है, कि उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि यंग लोग ही आने वाले टाइम में जो है हमारी फ्यूचर जनरेशंस बनाते हैं। COVID-19 में इन्होंने कहा कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, जो डिसीज सर्विलियंस सिस्टम है, उस भैया वो काफ़ी उसकी कमियां हमें पता चली,
तो उसकी कैपेसिटी को यहाँ पे इम्प्रूव किया जाना चाहिए ताकि फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें ना हो, है ना। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है, स्टेट को ज़्यादा इनको बेनिफिट दिया जाना चाहिए, स्टेट्स को सपोर्ट करना चाहिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में इन्होंने यहाँ पे कुछ बात कही है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी तो फेडरलिज्म बढ़ेगा ना आगे करके। तो ये कुछ कुछ जो है चीज़ें इन्होंने कही हैं। फिर उन्होंने अपना एक पर्सनल एग्जाम्पल भी दिया है मनमोहन सिंह जी ने, कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो ये 14 साल के थे, तो मनमोहन सिंह जी का जन्म वैसे भी पाकिस्तान में हुआ था, है ना। और उस समय इन्होंने कहा कि हम लोगों ने पार्टीशन जब हुआ कंट्री का, तो इन्होंने बहुत कुछ देखा उस समय में, तो उस समय से इनका सपना था कि एक फ्री इंडिया में हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें करें, एनरोल करें। फिर बाद में इनको एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, एज अ प्राइम मिनिस्टर भी इनको मौका मिला देश की सेवा करने का। और तो इन्होंने वही बात कही, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इन्होंने अच्छा काम किया, नो डाउट। बट कोई भी एक ऐसा नेता या कोई भी एक ऐसा साल नहीं हो सकता जब कंट्री की काया पलट जाए, है ना। सोशल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस धीरे 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 होते हैं, और डेफिनेटली इन्होंने अपना रोल प्ले किया। अभी मोदी जी हैं, वो अपना रोल प्ले करेंगे, आने वाले समय में जो और लीडर्स आएंगे वो भी अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्रक्स यही निकलता है कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, या आपके जैसे मेरे जैसे लोग, यंग लोग हैं, या देश में रहने वाला कोई भी सिटीजन है, है ना, तो ये जो 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 नफरत की राजनीति या जो ये इन सब कुछ होने वाला नहीं है, इससे सिर्फ डिवीजन होगा, है ना। तो लॉन्ग टर्म में जो है कंट्री की भलाई के बारे में बात करें, लॉन्ग टर्म में अपने जो है अपने अपने जो फेलो ब्रदर्स के बारे में बात करें, अपने अपने जो है सिटीजन्स, जितने भाई बंधु हैं सबके बारे में बात करें, तभी तो देश आगे बढ़ेगा यार। अदरवाइज तो फिर बाहर से लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाते रहेंगे और वो गलत चीज़ें होती रहेंगी, लोग हमारे इमोशंस का फ़ायदा उठाते रहेंगे, है ना। तो अपनी जो नैरो जो जिसे कहते हैं उन इंटरेस्ट को छोड़ के एक लार्ज स्केल इंडिया के बारे में ही हमें सोचने की ज़रूरत है, तभी जो है हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो यही था दोस्तों आज के ये हमारी एक एनालिसिस। आज मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, जो आपका मन है करो, आप पूरा आज फ्रीडम है। रोज़ तो मैं थोड़ा बहुत बोल देता था आपको, है ना, कि करना है आपने एंड ऑल दैट। आज इंडिपेंडेंस है आपको फुल ऑन, अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे तो मत करो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। एनसीईआरटी का कोर्स है हमारा 7500 में हम लोगों ने लॉन्च किया है, प्रॉपर तरीके से सब कुछ करवाते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप उस पर जाके भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही, इंडिपेंडेंस मनाइए, मतलब पढ़ना है, ये नहीं कि आज इंडिपेंडेंस मना रहे हो किताबें बंद करके रख दें, हम तो किताबों से इंडिपेंडेंस ले लिया। जिस दिन आपने किताबों से इंडिपेंडेंस ले लिया तो समझ लो आपका सिलेक्शन खत्म है उस दिन। किताबें तो आपका इंटीग्रल पार्ट हैं, जैसे खाना खाते हो, नहाते हो, धोते हो, सब कुछ वैसे ही बुक्स, तो उससे इंडिपेंडेंस नहीं लेना है। ठीक है, तो मनाइए, अपने आप में जो है प्राउड फील कीजिए और प्रण लीजिए कि इंडिया जो है हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो हमारे कंट्री की यूनिटी को नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।